ये अपने कौम को जिंदा होने की हम जिंदा कौम है जो उसकी निशानी का हमको कोई नफर है। हेलो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हमने अल्लाह के रसूल को भेजा इसलिए कि वो रहमतुल्लिल आलमीन है। तो एक कमीने ने, एक सुअर ने उनकी शान में गुस्ताखी किया और उसके वजह से सारे शहर का, ये सारे जिले का माहौल खराब हो, ये हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। प्रशासन, पुलिस, यहाँ तक के पूरा महाराष्ट्र शासन हमारे साथ है। और ये भी खुशी की बात है कि उस कमीने को, उस कुत्ते को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। तो हमारे तरफ से भी अब शांति बनाए रखी जाएगी और नौजवानों की भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं की जाए, गुस्से में ऐसी कोई ऐसा काम नहीं किया जाए जिसकी वजह से माहौल खराब हो। आजकल जो लोग रोक रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारी कौम को बहकाना और हमारे हाथों में पत्थर देने का काम कर रहे हैं। हमको पत्थर हाथ में नहीं लेने का है, हमको कलम और कायदे के साथ में रहकर काम करना है और प्रशासन का भी साथ देना और प्रशासन के साथ आपको लेना है। आप देख रहे होंगे कि कमीने ने राज ठाकरे ने जो भूखा, आज वो परेशान है, उसने रिव्यू कर ले लिया। तो ये चीज़ों का ख्याल रखो, सरकार अपने साथ में है और हम कायदे के चौपट के अंदर काम करो। और कुछ भी रहा, हमारे पास में कलेक्टर ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, हम यहाँ अपनी जाके तकरार करेंगे। लेकिन ऐसा कोई काम मत करोगे जिसकी वजह से हम, हमारा जो भी काम करेंगे संविधान की चौखट में रह के करेंगे। बच्चों को बोल दो, तो बड़े बोल दो, कम से कम उस पर अमल करो। अपने दिल से कोई काम मत करो, मेहरबानी करके। जो कोई भी अपने रसूल से प्यार करता हूँ, बड़ों को सुनकर चलेगा। अगला क्यों ना कर दीजिए, हम जितने लोग यहाँ पर है ना, सबको पोस्ट आई, सब ने एक ही बात कलेक्टर साहब से। चलो ¿Eh?
पद पे रखने नहीं चाहिए, उसको तात्काल उसको डिसमिस करना चाहिए। ऐसे हमारे पूरे जिले के नहीं, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान वो तो अभी निवेदन देंगे ही, पूरे जिले का वातावरण बिगाड़ दिया उस आदमी ने, उसको समझना चाहिए। एक जो पद पर वो बैठता है वो उसकी जिम्मेदारी की पद है, जो सुशिक्षित आदमी है उसने अगर ऐसी सोच रखता है तो ऐसे सोच के लोगों को उसको टेबल पर बैठने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। तो साहब उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और आज तो हम निवेदन दे रहे हैं, अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूरे शहर को नहीं, पूरे जिले को नहीं, पूरे महाराष्ट्र को महाराष्ट्र की हवा खराब करना चाहता है। महाराष्ट्र एक अमन पसंद रियासत है। ये जो आधा घंटे के पहले ही कलेक्टर साहब को मुझे कॉल आया था, जिसके साथ में बातचीत सर, ये कैसे लोग हैं, इनकी मानसिकता कैसी है, मेरे तो समझ भी नहीं आ रहा। प्रशासन पढ़े लिखे लोग अगर ऐसा करेंगे तो जंगली जाहिल लोग क्या करेंगे? प्रशासन में बैठे हुए तो हमारा विश्वास कैसे रहेगा? हमने किस पर विश्वास करना? एक बात मालूम भी नहीं होगी, हमारे डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप इतना उनका ब्रेन हैमरेज चालू रहता कि भाई ऐसा कोई मैसेज मत फॉरवर्ड करो, किसी को समझो वैयक्तिक भी मत डालो, बार बार कहते हम लोग, हमारे भी ट्रेनिंग रहती, लेकिन अब सस्पेंड कर लो सर। इस हमारे मुस्लिम समाज के अंदर भी हो सकता है कुछ गलत तो होंगे, लेकिन आप बताओ क्या ऐसी कोई पोस्ट या ऐसी कोई भावना सुनने वाला हम काम कर रहे हैं क्या? त्या संबंधित व्यक्तीला आज ताब्यात घेतलेला आहे, जसं कळालं आपल्याला कलेक्टर साहेबांना आणि आम्हाला की शाळेमध्ये प्लान अलग था, 29 तारीख की पोस्ट है, 3 ईद के पहले की, ताकि कुछ हो जाना करके, उसके ऊपर डेट भी आ रही 29 तारीख की हो पोस्ट। सर वो तो आप आईक्यू सेट से लिखाने के तौर पर सर, आपने को टेक्निकली वैसा मालूम नहीं पड़ता, लेकिन फिजिकली आप उन्हें ट्रेस कर सकते हैं। सर कार्रवाई आप ऐसे कीजिए उसके ऊपर, मतलब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आप एक मिसाल तो बनाओ, बुल्लानी जिले की रीत साक्षी आंदोलन में ऐसा हुआ, किसी भी महापुरुष का अपमान ना, किसी का भी ना हो, सख्त कार्रवाई हो रही है। आप देखो पुलिस डिपार्टमेंट का भी हर 8 दिन में एक आता कि हर 8 दिन में एक मैसेज आता है, इनका के लिए लोग ऐसे पोस्ट कर रहे ना, इनका कोई धर्म नहीं है, क्योंकि कोई धर्म में कोई भी ये धर्म नहीं बोलता कि इस तरीके की पोस्ट करो या किसी दूसरे धर्म में। कोई वैयक्तिक अगर कोई आज का इंसान है उसके बारे में भी कुछ लिखा तो वो भी मत फॉरवर्ड करो सर। या ऐसे लोगों को एक तो पुलिस में हेडक्वार्टर करना, नहीं तो हमारे जैसे बात दे देना, उनका इलाज यही है, अगर वो मान नहीं रहे ना तो उसका इलाज ये है, एक तो पुलिस ने मारना उनको या फिर हम पब्लिक के बात। सर आप पढ़ लिख सकते हैं सर, पढ़ लिखा है इसके ऊपर। चलो आने के लिए आने के लिए उसको मारेंगे ना।
अम्बेडकर की इस शाहू अम्बेडकर की सरजमीन महाराष्ट्र में इस महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए बार बार जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब किया जा रहा है उसकी एक कड़ी में आज बुल्ढाणा के अंदर पैगंबर साहब की शान में अपमानजनक टिप्पणी करने वाला बाबूराव मिर्गे नामी एक प्रशासनिक व्यक्ति जो तहसील ऑफिस में कार्य करता है उसने व्हाट्सएप के जरिए पैगंबर साहब की शान में खतरनाक अपमानजनक बातें कही हैं जिसको कोई भी मुसलमान और शांति प्रिय नॉन मुस्लिम बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम शांति के दूत पैगंबर साहब को अपनी जान से ज़्यादा मानते हैं और अगर हम पैगंबर साहब की शान में अपमानजनक टिप्पणी के बावजूद भी कुछ ना करें तो हमारा जी कर कोई फ़ायदा नहीं है। उनके लिए मर जाना ही हमारी ज़िंदगी है। हम इस देश के संविधान में भी यकीन रखते हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों को अशांति फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जब ऐसी घटनाएँ होगी तो फिर शांति कैसे होगी? जब कोई रिएक्शन करेगा हमारी जान से भी ज़्यादा अजीज पैगंबर साहब पर हमला करेगा तो हम शांत नहीं यकीन रखते हैं कि उस पर कठोर कार्रवाई होगी। हमने ये कलेक्टर साहब को निवेदन के जरिए मांग की है कि उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो। प्रशासन में ऐसी घिनौनी मानसिकता रखने वाले लोग भी कार्यरत हैं, ये इससे सिद्ध हुआ है और ये एक अकेला व्यक्ति नहीं है, इसके पीछे एक आइडियोलॉजी काम कर रही है जो इस देश को तोड़ना चाहती है। हम इस देश के कभी भी टुकड़े नहीं होने देंगे, हम इस देश को भी चाहते हैं, लेकिन हम इस देश में पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बताए हुए इस्लाम के मुताबिक जीना चाहते हैं, जिसको यहाँ की कुछ ताकतें जो 10-15% ही है, हमारे हिंदू भाई भी बहुत सारे शांति प्रिय है, सेकुलर है, जो हमारे साथ हैं, लेकिन जो 10-15% लोग हैं जो इस देश को बांटना चाहते हैं, हम उनके उन्हें कभी भी इनके ख्वाब में पूरा नहीं होने देंगे। हम जिले भर से मुसलमानों से भी अपील करते हैं कि वो शांति बनाए रखें। उस पर उसको अटैक किया गया है और उस पर 153A, 295 और साइबर के क्राइम के तहत गुनाह दाखिल होगा। इंशाल्लाह FIR जगह जगह उस पर होगी। आज बुल्ढाणा जिला की जो कलेक्टर ऑफिस है और बुल्ढाणा के हद की जो तालुका प्लेस पे जो तहसील ऑफिस है वहाँ पे एक बाबू है जिसका नाम बाबूराव मिर्गे है, जिसने हमारे मोहम्मद पैगंबर इनके लिए जो व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक जो पोस्ट किया है उसके वजह से पूरे ज़िले के नहीं, पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो भारत के जो मुस्लिम हैं सबकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। ऐसा शख्स जो प्रशासन के अंदर काम कर रहा है उसकी अगर ऐसी मानसिकता है तो ऐसे आदमी को तत्काल सस्पेंड करके उसके ऊपर उचित कार्रवाई करना चाहिए। और मेरी विनंती महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे साहब, दिलीप वळसे पाटिल साहब, गृहमंत्री अजीत दादा पवार, नानाजी पटोले और सभी महाविकास आघाड़ी के मिनिस्टर लोगों से हमारी विनंती है कि जो लोग इस मानसिकता के लोग हैं ऐसे लोगों के ऊपर एक कानून बनना चाहिए जो महापुरुषों की बार बार अपमान कर रहे हैं उसमें पैगंबर साहब और उसमें पैगंबर साहब को बार बार टारगेट किया जा रहा है।